आपको तो अभी मैं कुछ जरूरी काम में फंस चुका हूँ, तो मैं मिलता हूँ। अल्टीमेटली आप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने आधार कार्ड से भी, अगर आप फ्लाइट से नहीं जा रहे हैं, किसी भी, अगर आप बाई लैंड जा रहे हैं, तो आपका आधार कार्ड इनफ है पूरा नेपाल घूमने के लिए। आपको कोई भी, मतलब लोग कहते हैं कि आइडेंटिटी कार्ड नहीं चलेगा, पासपोर्ट, या तो पासपोर्ट चलेगा या फिर आपका वो वोटर आईडी कार्ड, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आधार कार्ड पे भी पूरा नेपाल घूम सकते हैं। मैं घूम के आया हूँ अभी। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू बीइंग नोमैडिक। और अभी आप पूछेंगे कि मैं कहाँ गया हूँ, क्योंकि अब से पहले आपको पीछे पहाड़, झरने, ये सब दिख रहे थे, और नदी, तालाब, ये सब, और अभी आपको अचानक से मतलब रेलवे स्टेशन दिख रहा है। तो गाइस, मैं हूँ अभी गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे। एंड एक्चुअली मैं इससे पहले लास्ट नाइट को पोखरा में था, और पोखरा से मैं बस लेकर लुम्बिनी आया था, बट अभी मैं गोरखपुर में हूँ, क्योंकि लास्ट जो मैंने बस लिया था यार, जो मैंने बस लिया था पोखरा से लुम्बिनी के लिए, उस बस का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा था। एक तो कि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो गई, मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाया, और रास्ते में ऐसा कुछ हैपनिंग हुआ नहीं कि मैं आपको दिखाता। और एक्चुअली बारिश इतनी देर थी कि मेरा जूता भीग गया, मेरा बैग भीग गया, मेरा ये वाला बैकपैक भीग गया, सब कुछ भीग गया था। ऑल्दो मैंने टैक्सी लिया था, फिर भी भीग गया था, मतलब रूम से निकल के थोड़ा बाहर जाने में सब कुछ भीग गया, ऐसा सीन था। और कोई भी रेन कवर वगैरह कुछ काम नहीं करता यार ऐसे में। और उसके बाद जब मैं वहाँ से बाहर निकला, मैं बस में बैठा, बस में ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मैं आपको दिखाता। लिटरली एक नॉर्मल सा बस था, विदाउट नॉन एसी बस था, जिसका किराया मुझे 700 रुपये लगा था। तो उस बस में मैं ट्रैवल कर रहा था, सबसे जो चीप वाली, मतलब सबसे चीप बस जो थी, मैं उसी में ट्रैवल कर रहा था। एंड इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब मैं बस में, ये जो मेरा पीछे वाला बैग आप देख रहे हैं, मैंने बस के नीचे वाला डिक्की वाला कंपार्टमेंट जो होता है, उसमें मैंने अपना बैग रख दिया। उसके बाद जब मैं सुबह उतरता हूँ वहाँ पे, भैरवा करके एक जगह है, भैरवा करके, क्योंकि लुम्बिनी डायरेक्ट बस जाती है ना, तो भैरवा में जब मैं उतरता हूँ शाम को, एक्चुअली सुबह, तो इस बस, ये जो मेरा बैग है ना पीछे वाला, ये पूरा मोबाइल से भीग चुका था। और उस टाइम पे मेरा दिमाग ना, मतलब टोटली क्या बताऊँ, मतलब ये हाल हो गया था ना मेरे दिमाग का, कि मतलब आई वाज लाइक कि मैं खून कर दूंगा किसी का, मेरा ये हाल हो चुका था। तो इसलिए मतलब मैंने वहाँ पे वीडियो वगैरह नहीं बनाया, और बस ऐसे ही मतलब चलता रहा, मेरा मूड पूरा ऑफ हो चुका था। तो फिर वहाँ से मैं लुम्बिनी आने वाला था, मैंने पूरा इस तरह से मूड ऑफ हो गया यार, कि मैंने मेरे बैग से ना मोबाइल टपक रहा था पूरा, ये हाल हो गया था। पूरा टेंट भीग चुका था, क्या मतलब स्लीपिंग मैट्रेस भीग चुका था, बैग भीग चुका था, मेरा पावर बैंक में पूरा मोबाइल हो चुका था। तो इस तरह से दिमाग ख़राब हो चुका था, और इस तरह से इसका हाल हो चुका था। तो फिर मैं वहाँ से सीधा बस लिया, ऑटो लिया, बस लिया, जो भी कह लीजिए, सनौली बॉर्डर आया। सनौली बॉर्डर से बस लेके मैं सीधा गोरखपुर आया, और गोरखपुर आया मैं सीधा यहाँ पे, और यहाँ से मेरा ट्रेन है मुजफ्फरपुर के लिए, और ट्रेन का नाम है मौर्य ध्वज एक्सप्रेस करके है। इसका मैं ट्रेन का टिकट लेने गया था, मुझे टिकट नहीं मिला, तो अभी मैं बिना ट्रेन के टिकट के, विदाउट टिकट में ट्रैवल करने वाला हूँ उस ट्रेन में। और रास्ते में जब टीटी भैया आएंगे तो फाइन कटवा लेंगे अपना। इस तरह से भी जा रहा हूँ, क्योंकि 4 घंटे पहले रिजर्वेशन का जो काउंटर होता है एक पर्टिकुलर ट्रेन के लिए, वो 4 घंटे पहले तक ही खुली रहती है, 4 विदिन 4 आवर्स आप नहीं करवा सकते हैं। तो अब 4 घंटे बचे नहीं थे मेरे पास, मैं मतलब पास्ट में तो आ नहीं सकता हूँ। यही सीन था यार, विदाउट टिकट जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल तो। और इसके बाद मतलब नेपाल के एक्सपीरियंस के बारे में मैं क्या कहूँ, जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था, तो मेरे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं था, मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। तो सनौली बॉर्डर पे उन्होंने पूछा वोटर आईडी कार्ड के लिए कि आपका वोटर आईडी कार्ड कहाँ है, क्योंकि आधार कार्ड तो आता नहीं है। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो यही है। फिर उन्होंने पूछा आप कितना दिन थे नेपाल में, मैंने कहा मैं 35 डेज का अराउंड था नेपाल में, 35-40 डेज। फिर पूछते कि आप इतने दिन तक क्या कर रहे थे, मैंने कहा मुझे नेपाल घूमना था। तो बोले कि नेपाल घूमने के लिए तो 5-7 दिन 10 दिन इनफ है, आप इतना दिन तक क्या कर रहे थे नेपाल में। उन्होंने पूछा कहाँ कहाँ गए आप, तो मैंने बोला कि मैं गया था वहाँ पे लानतांग, मैं गया था वहाँ पे क्या नाम है तापलेजुंग वगैरह, सब कुछ मैंने बताया, पूरी जो जहाँ जहाँ मैं गया था वहाँ वहाँ बताया। तो बोले कि आप तापलेजुंग गए थे ये वो करके, मैंने बोला कि हाँ, क्योंकि मुझे पाथीवारा में टेम्पल जाना था, अगर पाथीवारा टेम्पल तापलेजुंग गए बिना जा सकते हैं तो फिर मैं नहीं जाता तापलेजुंग। तो यही सब था। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप जाइए, और उन्होंने मुझे आधार कार्ड पे ही आने दिया, वहाँ पे नाम वाम लिख के एंट्री वगैरह करके आधार कार्ड का एक फ़ोटो खींच के रखा उन लोगों ने, यही सीन था। बाकी कोई खास दिक्कत नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली आप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने आधार कार्ड से भी, अगर आप फ्लाइट से नहीं जा रहे हैं, किसी भी, अगर आप बाई लैंड जा रहे हैं, तो आपका आधार कार्ड इनफ है पूरा नेपाल घूमने के लिए। आपको कोई भी, मतलब लोग कहते हैं कि आइडेंटिटी कार्ड नहीं चलेगा, पासपोर्ट, या तो पासपोर्ट चलेगा या फिर आपका वो वोटर आईडी कार्ड, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आधार कार्ड पे भी पूरा नेपाल घूम सकते हैं। मैं घूम के आया हूँ अभी, तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं।
यही था यार, बाकी अपनी ट्रेन 2:20 पर आने वाली है, सॉरी 2:40 पर शायद, एक्चुअली 2:40 पर यहाँ से निकलने वाली है, तो 2:20 में या 2:30 में यहाँ पर आएगी, देखते हैं। और जैसे आते ही ट्रेन निकलते हैं यार यहाँ से, क्योंकि बहुत बुरी तरह से मैं परेशान हो चुका हूँ। अब किसी भी हाल में मुझे घर पहुँचना है, क्योंकि मुझे पूरा जो बैकपैक है ना पूरा बदबू दे रहा है, मतलब मोबाइल जैसा गंद कर रहा है यार, इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है। एंड उससे पहले वाले दिन भीग चुका था, अभी इसमें मोबाइल घुस चुका है पूरा, क्या बताऊँ यार, बुरा हाल हो जाता है ऐसे में। अगर आप एक सोलो बैकपैकर है ना, आप समझ पाएंगे इस दर्द को, और जिनको लगता है ना कि ये जर्नी अकेले घूमना इतना आसान होता है, फक यू यार, इतना आसान नहीं होता, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। आपको हर तरह की डिफ़िकल्टी के लिए रेडी रहना पड़ता है, एंड आपको हर तरह की डिफ़िकल्टी से खुद लड़ना पड़ता है, ये सीन होता है। और यही अगर मेरे साथ कोई होता तो साथ में इतना पैनिक नहीं करता मैं, नहीं लिटरली आज बहुत पैनिक करा लिटरली यार। देखता हूँ फिलहाल तो मैं घर जा रहा हूँ, और वीडियो कंटिन्यू रहेगी, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। घर पे मैं हालांकि कुछ दिन आराम करने वाला हूँ, बट मैंने जो बीच में जो कुछ दिन का ब्रेक लिया था वीडियो अपलोड करते करते, एक दो दिन का ब्रेक रह जा रहा था, तो अभी मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूँगा। एंड मेरा नेक्स्ट ट्रिप रहेगा वो जो इस ट्रिप का जो लास्ट वीडियो होगा वहाँ से मेरा नेक्स्ट ट्रिप कंटिन्यू होगा, बेफिक्र रहे उसके लिए। बाकी इसी पास में प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आने वाली है, चलते हैं ट्रेन में, मिलते हैं यार आपसे आगे थोड़ा, क्योंकि बहुत परेशान हूँ लिटरली, और ट्रेन भी नॉन एसी है। मिलते हैं आपसे बस कुछ देर बाद। और ये रहा कुछ गोरखपुर जंक्शन, सुना है कि इंडिया का सबसे बड़ा जंक्शन है ये, तो आप भी देख लीजिए भारत के सबसे बड़े जंक्शन को, रेलवे प्लेटफॉर्म को एक्चुअली, और जनरली बहुत लंबी है यार। मतलब मुझे ना मैं एक नंबर पे था यहाँ से, मतलब जो इसका गेट नंबर एक या जो भी कह लीजिए, वहाँ पे एक नंबर पे था मैं, कह लीजिए बाहर से, तो वहाँ से मुझे लेना था रिजर्वेशन का टिकट, तो वहाँ से मुझे आना था 8 नंबर पे, और 1 नंबर से 8 नंबर पर आने के लिए बकायदा मुझे आधे घंटे का टाइम लगा है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा होगा ये, लिटरली बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। बाकी कुछ है नहीं यार खास, मतलब यही है, एंड जो भी कुछ होता भी ना यार, अगर कुछ हैपनिंग होता भी ना तो तब होता जब मैं खुश होता, मैं लिटरली बहुत फक्ड हूँ, मैं लिटरली बहुत परेशान हूँ मैं। तो यार मिलते हैं आपसे ट्रेन में, तब तक आप बने रहें इस वीडियो में, दिखाते हैं आपको ट्रेन में क्या रहता है, और देते हैं अपडेट आपको मुजफ्फरपुर उतरने के बाद। तो गाइस अभी का अपडेट ये है कि जो अपनी ट्रेन है वो 3 घंटे लेट है, पता नहीं मौर्य ध्वज एक्सप्रेस करके वो ट्रेन है, और वो 3 घंटे लेट है। तो भूख लगी थी बहुत तेज़, क्योंकि लास्ट टाइम नेपाल में खाया हुआ था, और 36 घंटे के आसपास हो चुके हैं, 24-36 घंटे के आसपास भूख लगी है बहुत तेज़। तो यहाँ पे अब थैंक गॉड इंडिया में डोमिनोज से ऑर्डर कर लिया मैंने, तो डोमिनोज से हमने कराया पिज्ज़ा ऑर्डर, एक पनीर पिज्ज़ा है और एक पनीर गार्लिक ब्रेड करके है वो है, और साथ में कोल्ड ड्रिंक है, काफ़ी सस्ता रेल पर गया, 100 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, हमने ऑर्डर कर लिया यहाँ से। और अभी भैया आने वाले हैं लेके, वो पूछ रहे थे कुछ एडिशनल चाहिए आपको वगैरह वगैरह, तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, आप जो मैंने ऑर्डर करा आप मुझे बस वही पहुँचा दो जल्दी। भैया आ रहे अपना सामान लेके, खाना लेके एक्चुअली, पिज्ज़ा लेके, और खाते हैं यार। थोड़ा बहुत मतलब मूड ऑफ हो चुका है पूरी तरह से, शायद इसके बाद थोड़ा सा मूड चेंज हो जाए, देखते हैं। और बाकी ये रहा गाइस गोरखपुर का रेलवे स्टेशन, ये पार्किंग रही, और ये मेन रोड पे खड़ा हूँ ताकि मैं ऑर्डर कलेक्ट कर सकूँ यहाँ से, क्योंकि वो अंदर नहीं आ सकते, बाइक पार्क करने के लिए उनको पे करना पड़ेगा, तो मैं यही गेट नंबर 7 पे वेट कर रहा हूँ उनके लिए, देखना है कब तक आते हैं भैया लेके। फाइनली आ चुका है अपना पिज्ज़ा, ये रहा, जा रहे प्लेटफॉर्म पर आराम से और बैठ के खाएंगे, बस थोड़ा सा स्माइल तो आया है देख के, बाकी देखते हैं खाते हुए कैसा लगता है। एक्चुअली जो एक्स्ट्रा की बात कर रहे थे ना वो कैचअप की बात कर रहे थे, एंड मुझे लगा कैचअप तो वो ऐसे ही लाएंगे, तो मैं सुन नहीं पा रहा था, आवाज़ अच्छे से आ नहीं रही थी, एंड देखिए यहाँ पे कैचअप वैचअप कुछ भी नहीं लाया इन्होंने यार, मतलब रियली इट्स ऑकवर्ड, बट कोई नहीं, शायद यही था रूल वहाँ का। सामने जा रहा हूँ एक जगह दिख रहा है वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल जाएगा, कोल्ड ड्रिंक मैंने ऑर्डर नहीं किया था शायद, मुझे लगा कि मैंने ऐड कर दिया था, बट कोल्ड ड्रिंक आया नहीं, फिर मैंने चेक किया तो मैंने एक्चुअली उसको ऐड नहीं किया था। जाते हैं बैठते हैं वहाँ पर आराम से, पिज्ज़ा खाते हैं यार, पिज्ज़ा इन्जॉय करते हैं। अभी का अपडेट ये है कि बहुत ज़्यादा मशक्कत करने के बाद ट्रेन में खड़े होने की जगह मिल गई है,
जो ट्रेन में चढ़ने वाला था उसमें नहीं चढ़ा, वो ट्रेन काफ़ी लेट था, 3 घंटे लेट हो चुका था वो। इससे पहले मुझे ये ट्रेन दिखी जो कि डायरेक्ट यहाँ से मुजफ्फरपुर ही जा रही है, तो मेरे लिए ये ट्रेन ज़्यादा बेनिफिशियल था। तो अपन इस ट्रेन में चढ़ चुके हैं एंड ट्रेन का नाम शायद पोरबंदर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस ऐसा ही कुछ समथिंग लाइक दैट इन बिटवीन समथिंग। और शाम के 8:30 बजे तक या 8 बजे तक या 7:30 बजे तक मैं मुजफ्फरपुर पहुँच जाऊँगा। काफ़ी ज़्यादा थका हुआ हूँ एंड थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पहुँचने के बाद आपसे कॉर्डिनेट करता हूँ, तक आप वीडियो में बने रहिए एंड आपको दिखा वीडियो बना। सो अभी मैं कुछ जरूरी काम में फंस चुका हूँ, तो मैं मिलता हूँ आपको जरूर। ले लिया सो बस इस ट्रेन से अभी तक के लिए अपडेट था, बाकी अगला अपडेट जो आपको मिलेगा वो करने के बाद मिलेगा। हाँ ये नॉर्मल है, अभी हुआ वो नॉर्मल है, मिलते हैं आपसे मुजफ्फरपुर पहुँचने के बाद। सो गाइस फाइनली एक बैठने का आसरा मिल गया यहाँ पे और भैया ने वैसे बोल दिया यहाँ पे, वो भी मुजफ्फरपुर ही जा रहे हैं एक्चुअली। तो फाइनली थोड़ा सा मतलब जो चिड़ था ना मुझे, मतलब उन चीज़ों पर थोड़ा सा कम हुआ है एंड थोड़ा सा इरिटेशन भी कम हुआ है, थोड़ा सा रिलैक्स भी हुआ। अब कोई खफा नहीं है नेपाल में, मतलब क्या रहा मेरा लास्ट डे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली कोई दिक्कत नहीं गाइस, चलते हैं अपन। और मुजफ्फरपुर अराउंड ये गाड़ी 5 घंटे लेट है, 5 से 6 घंटे लेट है, तो मुजफ्फरपुर अराउंड में पहुँचूंगा। अभी तो दिखा रहा है 11:40 का टाइम, बट कुछ भैया कह रहे थे कि वहाँ पे थोड़ा तेज़ भगाएगा, थोड़ी देर में मतलब तेज़ भगाएगा गाड़ी को, तो हो सकता है कि 1-2 घंटे पहले पहुँचा दे, पहले इन द सेंस की 3-4 घंटे लेट, पहले मतलब ये नहीं कि टाइम से पहले पहुँचा दे, तो जो लेट कर रहे हैं 7 घंटे 6 घंटे उससे थोड़ा कम लेट करके पहुँचा दे प्रोबेबली। बाकी इंडियन रेलवे पर भरोसा नहीं कर सकते, फिर भी मिलते हैं आपसे कहते हैं मुजफ्फरपुर में, क्योंकि मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ अभी, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और मिलते हैं आपसे मुजफ्फरपुर में, तब तक का वीडियो में बने रहे, और वहाँ पे रूम पे पहुँचने के बाद मैं इस वीडियो को क्लोज करूँगा, बने रहेगा इस वीडियो में। सो अभी का अपडेट ये है कि अभी हम पहुँच चुके हैं सगौली के आसपास एंड यहाँ से भी अराउंड 2 घंटे का समय और लगना है मुजफ्फरपुर पहुँचने में। इसके बाद मोतिहारी, बापूधाम मोतिहारी, फिर चकिया, फिर मेहसी, फिर चकिया, फिर मेहसी, बीच में कहीं पर मोतीपुर और फिर मुजफ्फरपुर, एंड 2 घंटे और लगने करीब अराउंड। और ये जो ट्रेन है अभी भी 5 घंटे 5:30 घंटे ना 5:30 घंटे के आसपास अभी भी ये लेट चल रही है। इंडियन रेलवे से हम एक्सपेक्ट भी यही कर सकते हैं कि ये लेट हुआ, कोई नहीं यार, मतलब थोड़ा सा है सफोकेशन टाइप का, बट इट्स ओके। मुजफ्फरपुर पहुँचने के बाद आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। और अभी भीड़ पूरी ख़त्म हो चुकी है, आप देख सकते हैं उतनी ज़्यादा भीड़ रही नहीं है अभी ट्रेन में जो पहले था। पहले भैया बता रहे थे कि जब ये ट्रेन निकली थी पोरबंदर से उस टाइम पर मतलब भीड़ खचाखच बड़ी पड़ी थी अब ट्रेन, बट अभी ठीक है, अभी सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपसे कोऑर्डिनेट करते हैं मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन एंड शायद सामने से एग्जिट करना होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लोग वापस आ रहे हैं घर को, अरे यार वो रहा सामने आके, यार मुझे सबसे बड़ा में कन्फ्यूजन ही होता है रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे कि एग्जिट कहाँ से करना है। चलिएगा कि एग्जिट सामने से करनी है, वो दिख रहा सामने एग्जिट, और मैं पहुँच चुका हूँ रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से चलते हैं, कोई ऑटो लेंगे, ऑटो लेके जाएंगे अपन लकड़ीढाई चौक जहाँ पर आदित्य रहता है, मतलब मेरा भाई, तो उसी के रास्ते है। बेचारा काफ़ी टाइम से वेट कर रहा है, मैं मतलब कह रहा हूँ कि हर 10 मिनट में कह रहा हूँ कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, 15 मिनट में आ रहा हूँ, अभी आ गया बस इस तरह से। बट मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम, क्योंकि ट्रेन थी करीब 6 घंटे लेट, एग्जैक्टली 6 घंटे लेट पहुँची है यार, 5 बजे का टाइम था इसका और पहुँची है 11 बजे, 11 नहीं एक्चुअली 11:53, आप सामने देखो 5:25 का टाइम था इसका, 11:53 में पहुँची है, मतलब 6:30 लेट है भाई ये ट्रेन। तो कोई नहीं, कितना भी लेट हो कुछ भी हो, मुझे कौन सा पूरा सफ़र करना था, मैं तो यहाँ से आ रहा हूँ गोरखपुर से, चलते हैं यहाँ से गाड़ी ओपन करते हैं, एग्जिट लेते हैं, ऑटो हो जाते हैं भाई के पास, मैंने आपसे हम दोनों रिलैक्सेशन हो बढ़िया, खाना बना पड़ा अपना, उसका कोई टेंशन नहीं है, तो बस चलते हैं एग्जिट की तरफ। को जाने वाली ट्रेन एक से अच्छा पर आ रही है, बहुत ज़्यादा मतलब हेक्टिक था यार, बहुत हेक्टिक था ये जर्नी, अभी तो स्टिल एक्सेप्ट करना बाकी है।
आई एम वन ऑफ द वेरी फर्स्ट टू टेक एन एग्जिट एंड गो आउट देयर. खुशबू आ रही है, मतलब अपने अपने शहर वाली खुशबू आ रही है. बस यहाँ से यार ऑटो मिल जाए, क्योंकि सबसे जरूरी चीज यही है कि यहाँ से ऑटो मिल रहा. तो बस ऑटो मिल जाए फिर सॉर्टेड है सब. तो सामने बहुत सारी ऑटो खड़ी है यार, कोई दिक्कत नहीं, चीजें अभी तक सॉर्टेड है. चलते हैं कि नहीं, एक ऑटो वाले भैया से बात करते हैं, पूछते हैं कितना पैसे लेंगे. पीछे कुछ सवारी ऑटो थी, बट अपने को लेनी है एक प्राइवेट टैक्सी. जाते हैं बाहर, बाहर से देखते हैं कहाँ पे जाती है यार. यहाँ कुछ मांग करने हो ये भैया आ जाएंगे, जीरो माइल पूछते हैं इनसे, अगर लकड़ी ढाई छोड़ देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा अपने लिए. लकड़ी ढाई जाएंगे, लकड़ी ढाई जाएंगे रिजर्व में जाएंगे. कितना लेंगे रिजर्व में? 150. चलिए बैठा मैं जो जीरो माइल. तो भैया अपनी गाड़ी हो चुकी है रिजर्व, जा रहे हैं अपन लकड़ी ढाई. इन्होंने बोला 150, हमने बोला डन. चलिए भैया, मतलब इतना सॉर्टेड हो गया यार वहां से निकलते ही. लेकिन भाई चौक पे जाना है.